हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए आपके SOL की एक और बिग न्यूज़। वैसे आज SOL ने एक ही दिन में दो धमाके किए हैं। पहला तो BA प्रोग्राम वालों के थर्ड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर करके, एंड सेकंड CBCS सिस्टम के फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट डिक्लेयर करके। जी हाँ गाइस, राइट नाउ 2019 में जिनने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है SOL के अंदर एंड जो CBCS सिस्टम के अंदर आते हैं, उन सभी स्टूडेंट की डेट शीट आ चुकी है। फिर चाहे वो स्टूडेंट BA प्रोग्राम के हों, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हों या BCom ऑनर्स के, आप सभी की डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है गाइस। तो चलिए फटाफट से SOL की वेबसाइट पर चलते हैं एंड देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि आप लोगों का कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है एंड किस तरह से मैं आप सबको उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ आगे आने वाले कुछ दिनों में। तो चलिए गाइस, फटाफट से चलते हैं SOL की वेबसाइट पर। सो गाइस, राइट नाउ ये आप सबके सामने SOL की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। यहाँ से मैं आप सबको दिखा देती हूँ आप सबकी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट। सो गाइस, यहाँ पर आप सबको ये नोटिफिकेशन अच्छे से क्लियरली शो हो रहा होगा, UG डेट शीट 2019 सेमेस्टर फर्स्ट। सो गाइज, आपको इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके सामने खुलेगा एक पेज। सो गाइज, यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा ये पेज आप सबके सामने ओपन हो चुका है। सो गाइज, यहाँ पे आप सबके सारे कोर्सेज के राइट नाउ डेट शीट अवेलेबल है, BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स एंड इंग्लिश अदर कोर्सेज की। बट गाइज, यहाँ पर राइट नाउ इंग्लिश ऑनर्स या कि डेट शीट अवेलेबल नहीं है, तो शायद हो सकता है कि इंग्लिश ऑनर्स की डेट शीट अभी तक ना आई हो। सो गाइज, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम में वो भी अपडेट हो जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे आप सबकी सारी डेट शीट अवेलेबल हैं। बेसिकली मैंने डेट शीट ऑलरेडी आप सबके लिए डाउनलोड कर रखी है। तो गाइज, चलिए फटाफट से उस डेट शीट पर चलते हैं। आप लोग यहाँ से डेट शीट ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीचे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके डेट शीट ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने तो ऑलरेडी डेट शीट डाउनलोड कर रखी है। तो चलिए फटाफट से मैं आप सबको आपके BA प्रोग्राम की डेट शीट दिखा देती हूँ। सो गाइज, ये है आप सबके BA प्रोग्राम की डेट शीट। आई होप आप सबको विजिबल होगी, थोड़ी सी धुंधली डेट शीट है गाइज, बट आप जब डाउनलोड कर देखेंगे तो आपको अच्छे से नज़र आ जाएगी। सो पहला एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो है आपका इन्वायरमेंटल साइंस, जिससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डर रहे थे। सो गाइज, वही एग्ज़ाम आप सबका सबसे पहले होने वाला है। तो गाइज, कोई टेंशन नहीं है, डरिए मत बिल्कुल भी आप सब। आप लोगों को रिलैक्स रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, बिकॉज एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल पास आ चुका है। सो गाइज, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2019 को होने वाला है। सो गाइज, आप लोगों को अब अपने इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोर से स्टार्ट कर देनी है गाइज। एंड प्लस गाइज, इस पूरे वीक में आप सबको सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप लोगों के एग्जाम में जाने से पहले आप सबके पास इन्वायरमेंटल साइंस का बहुत सारा कंटेंट रेडी हो जाए। सो गाइज, चलिए अब आगे के एग्ज़ाम देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप सबको नज़र आ रहा होगा हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी सी, पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी ए, तमिल बी, तमिल सी, उर्दू ए, उर्दू बी, उर्दू सी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के बारे में आप सबको पढ़ना है। इन सब का एग्ज़ाम आपका होने वाला है 23 दिसंबर को। सो गाइज, देख सकते हैं आप सब कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम दिया है, सिर्फ बीच में दो से तीन दिन दिया आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम दिया है। बट कोई बात नहीं गाइज, आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। इस टाइम पर डीमोटिवेट आप सबको नहीं होना है गाइज। तो चलिए गाइज, अब हम आगे के पेपर्स को देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप सबको बाकी के पेपर नज़र आ रहे होंगे। तो गाइज, आप लोगों का इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश डिसिप्लिन, हिंदी डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स, नेचुरल हेल्थ एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश डिसिप्लिन, ये सारे एग्ज़ाम। सो गाइज, ये सारे एग्ज़ाम भी आप सबके होने वाले हैं। तो गाइज, आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम 26 को पड़ेगा, 26 दिसंबर को। सो गाइज, ये डेट शीट आप सबको यहाँ पे अच्छे से विजिबल होगी, ये सारे आप सबको नज़र आ रहे होंगे। सो गाइज, आप सबको देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बीच में आप लोगों को मिल रहा है पढ़ने के लिए, रिविज़न के लिए। सो गाइज, मैं तो अभी से ही कहूँगी कि आप लोगों को अभी से अपने 6 से 7 घंटे अपनी स्टडी में अच्छे से देने हैं। गाइज, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम 26 के बाद 27 को है। आपका 27 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो है इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश डिसिप्लिन, हिंदी डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स, नेचुरल हेल्थ, पॉलिटिकल साइंस एंड संस्कृत, ये भी उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है। सो गाइज, आपका आगे का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है आपका 28 तारीख को, जिसकी प्रिपरेशन राइट नाउ मेरे चैनल पर चल रही है। सो गाइज, 28 दिसंबर को आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। सो गाइज, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल करा चुकी हूँ आप सबको, आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। सो गाइज, ये आप लोगों की एक सिंपल सी डेट शीट है।
सो गाइस, जिस एग्ज़ाम की सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को टेंशन थी, इन्वायरमेंटल साइंस, उसी का एग्ज़ाम है सबसे पहले। सो गाइस, आप लोग रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों की प्रिपरेशन मैं गारंटी देती हूँ आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत अच्छी करा दूंगी। सो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए गाइस। बेसिकली आप लोगों का एग्ज़ाम 20 दिसंबर को है, तो 20 दिसंबर तक का टाइम है अभी हमारे पास। सो गाइस, मैं आप सबको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ जल्दी जल्दी अवेलेबल कराना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। एंड अब आप लोग कर देंगे बिल्कुल अपनी मेहनत डबल एंड अपने फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन में पूरी तरह से जुड़ जाएंगे गाइज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचा है आप सबके पास। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।